रोज एक नया घोटाला आ जाता था। जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी, नहीं चुप हो जाओ मत बोलना। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, जगह जगह आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था। कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं अराजकता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर मठों पर हमले होते थे, बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था और यह दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। थाने तहसीलें बिक चुकी थी, गिरवी रख दी थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनकी सरकार थी केवल लूट मचाए हुए थे। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। भाइयों बहनों, ये नारा एक हकीकत में बदली। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, आवाज दे जा रहे हैं सबको बिना भेदभाव के, शौचालय दिए गए बिना भेदभाव के, रसोई गैस के सिलेंडर दिए जा रहे बिना भेदभाव के, किसान सम्मान निधि दी जा रही है बिना भेदभाव के, ऋण माफी की योजना हुई है बिना भेदभाव के, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है बिना भेदभाव के, और सबको राशन देने की कार्रवाई, फ्री में राशन देने की कार्रवाई बिना भेदभाव के, और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी सबको फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी बिना भेदभाव के। ये होती है सरकार। पाकिस्तान और चीन भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारत देता है, भारत की सेना देती है। आतंकवाद की जो जड़ थी, जिसे कांग्रेस ने बोया था 1952 में कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा बांस, हमेशा के लिए समाप्त कर दो आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूत करने का संदेश दे दिया, और नहीं तो सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में,
और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था, हमारी सरकार आई हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम किया क्या था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है, जब आपकी सरकार बनती है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य होता है। और भाइयों बहनों, जब सपा बसपा कांग्रेस की सरकार होती है तो उनको केवल अपने अपने परिवार से फुर्सत नहीं होती है, वे आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, जो 2012 में सपा ने करके दिखाया था। और इसीलिए आज सामाजिक सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है, आप लोग अपने समाज के जागरूक प्रहरी हैं, गांव गांव में जाकर के अलग जगाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी प्रदेश में कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो भाइयों बहनों, इससे पहले क्या होता था, मऊ का दंगा भूले नहीं होंगे 2005 का, कैसे भरत मिलाप के दिन वहां पर व्यापक दंगे हुए थे, FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। आजमगढ़ में 2007 में आपने देखा होगा अजीत राय की नेशनल पीजी कॉलेज में, सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में कैसे निर्मम हत्या हो गई थी। उसने केवल एक बात कही थी, अजीत राय ने एक बात कही थी, उसने कहा था वंदे मातरम होना चाहिए। अरे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिस गीत को गाते गाते भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूमते थे, अगर स्वतंत्र भारत में उस गीत को गाने पर कोई सरकार और कोई संगठन या कोई संस्था रोक लगाती है उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। लेकिन आजमगढ़ में वंदे मातरम नहीं गाने दिया था, अजीत राय की हत्या कर दी गई थी कॉलेज के अंदर। मऊ के दंगे के समय भी मऊ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं ही गया था और अजीत राय के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ा। मैं आप सबको यही एहसास कराने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि सामाजिक न्याय के सम्मेलन, सामाजिक जो प्रतिनिधि सम्मेलन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, शासन की जिम्मेदारी है, शासन की योजना आप तक पहुंचाना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाना, बिना भेदभाव के पहुंचाना, सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना। लेकिन साथ साथ समाज के जागरूक नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि आज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भी अच्छी सरकार बननी चाहिए, और अच्छी सरकार तब बनेगी जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, और वह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमें देखना होगा, आपने देखा होगा आजादी के बाद से लेकर के अब तक, आखिर आपके समाज का कोई गवर्नर क्यों नहीं बन पाया, पहली बार श्री फागू चौहान जी ही क्यों गवर्नर बने, इससे पहले क्यों नहीं। एक भारी भरकम मंत्रालय को लेकर किसी दारा सिंह चौहान जी पिछले 4.5 वर्ष से प्रदेश के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई और श्री प्रभुनाथ चौहान को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तमाम ब्लॉक प्रमुख समाज के लोग आज हो रहे हैं,
समाज के अलग अलग फील्ड में समाज के लोग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व बनता है, जब सरकार की बारी है तो सरकार एक एक करके अपने सभी वादों को आगे बढ़ा रही है, और जब पार्टी को आपकी आवश्यकता है तो आपका दायित्व बनता है कि एक एक परिवार के पास जाकर के कह देने की आवश्यकता कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हितों के लिए कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हित में है, भारतीय जनता पार्टी देश के हित में है, हमें भी अब उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भगवान राम माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमें गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण है, ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला अवसर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना 135 करोड़ भारतीयों के सीने को दुनिया के सामने मजबूती के साथ उठाने का एक अवसर भी है कि हम लोगों ने अतीत की, मध्यकाल की, गुलामी के कालखंड की एक गलती का परिमार्जन किया है और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। एक अवसर है हमारे पास कहने के लिए,